में स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस स्पेशल में। और सबसे पहले खबर, जहां लॉकडाउन होने के बाद बलरामपुर जिले के राधा कृष्ण गांव में फूलों की खेती करने वाले किसान मायूस हो गए हैं। अब वे फूलों की खेती से अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर, शादी और दूसरे समारोह पर रोक लगने के बाद किसान खेत में फूलों को तोड़कर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। लॉकडाउन में दूसरे शहर फूल नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे गेंदा, लिली, सेवंती, जरबेरा जैसे फूल खेत में बर्बाद हो रहे हैं और किसानों को लाखों के नुकसान के साथ भूखे मरने की नौबत आ गई है। सीजन है, अभी कुछ निकलना चालू हुआ था, तभी कोरोना वायरस के वजह से सब बंद हो गया, इसीलिए फूल को तोड़ के फेंक रहे हैं। अभी जैसे हमारा देश में कोरोना आ गया है, कोरोना के वजह से सारे चीज हम लोग का काम रुक गया है। तो लॉकडाउन के चलते खासा नुकसान जो फूलों की खेती करने वाले किसान हैं उनको उठाना पड़ा है ऐसे में। लेकिन इन किसानों की तरफ से आस यही है कि सरकार चाहे तो इनके इस नुकसान की भरपाई कर सकती है या उनके लिए कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी से या इस नुकसान से नहीं जूझना पड़ेगा। जाहिर है एक आस सरकार की तरफ से इन किसानों को अगर है तो गलत नहीं है, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला सरकार के हाथ में है और इसी के साथ ही भरपूर प्रयास सरकार की तरफ से किए जाते हैं। लिहाजा ऐसे में इन किसानों को अगर सरकार से कोई आस है तो वो गलत नहीं है। लेकिन बहरहाल जो अभी तस्वीर अभी तक सामने आई है कि ऐसे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, उनके सामने भूखे मरने की नौबत तक आ गई है, क्योंकि आर्थिक तंगी से ये किसान जूझ रहे हैं। ऐसे किसानों ने खेतों में से फूल तोड़कर उन्हें फेंकना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसे फूल उनके लिए किसी काम के नहीं है। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है, शादी समारोह हो या फिर कुछ ऐसा समारोह या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिनमें फूलों की जरूरत होती है, ऐसी जगहों पर जरूरत ना होने के चलते ये फूल महज एक कचरा बन गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सुनील पासवान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुनील, इन किसानों की क्या दरकार है सरकार से? जी, इन लोगों का कहना है कि जैसे अभी लॉकडाउन होने की वजह से फूल कहीं बिक नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, इससे जो हमारी फूल खराब है, किसी प्रकार की अगर हमको मुआवजा मिल जाता तो जो लागत लगी हुई कम से कम हमारी निकल जाती। जी, लेकिन क्योंकि जाहिर है ऐसे किसानों ने मंशा साफ की है कि सरकार से वो मदद की उम्मीद रखते हैं, क्या कोई लिखित में उन्होंने पत्र सरकार के नुमाइंदों को भेजने की कोशिश की है? जी, अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया है, लेकिन उन लोग का कहना है कि अभी घर के अंदर रहना है, कहीं जाना नहीं है, इसकी वजह से हमने बलरामपुर जाने नहीं पा रहे हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है मुख्यालय, इसकी वजह से हम जब भी लॉकडाउन खुलता है तो हम जाकर आवेदन को देंगे। सुनील, इन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आर्थिक तंगी से ये इस वक्त जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि प्रशासनिक अमला जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक भोजन या फिर आर्थिक मदद पहुँचाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो क्या ऐसी कोई मदद इन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही? नहीं, इन लोग को जो जिस प्रकार के लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक मदद दी जा रही है, इन लोग तक सचिव सरपंच के माध्यम से खाद्य सामग्री मिल रही है, उससे दिक्कत इनको नहीं है। हर समय इनकी मतलब जिस समय समस्या होती है तो इन लोग सचिव सरपंच को सूचना देते हैं, इसके बाद खाद्य सामग्री मिलती है। लेकिन जो फूल वाली है तो जो लागत इन लोग कलकत्ते से बीज लाकर और उगाते हैं, पौधा लाते हैं, तो जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए इन्होंने मांग की है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील जी। चलो।